जय हो नीलकंठ महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, 25 दिसंबर 2019 से मंगल ग्रह तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर कर लेंगे, यानी कि शत्रु राशि से निकलकर अपनी स्वग्रही राशि में प्रवेश कर लेंगे 25 दिसंबर 2019 से 7 फरवरी 2020 तक अपने ही घर में विराजमान रहेंगे। तो दर्शकों, आज की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव, क्या फलाफल देखने को मिलेगा। लेकिन दर्शकों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको मंगल ग्रह जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। मंगल ग्रह को नवग्रहों के मंत्रिमंडल में सेनापति का पद प्राप्त किया गया है और यह कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं और मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि इनकी अपनी स्वग्रही राशि होती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के चलते हुए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। तो दर्शकों, सबसे पहली राशि है मेष राशि। जिन व्यक्तियों की मेष राशि है उनकी राशि से मंगल ग्रह उनके 8th हाउस में गोचर करेंगे। तो दर्शकों, इससे पहले अगर आप अपनी बीमारी को लेकर परेशान थे या आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे और रोग को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित थे, तो यह जो मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में आएंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होगी और सारी समस्याओं का हल देखने को मिलेगा, यानी कि सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी, आपकी रोग को लेकर, आपके हेल्थ समस्याओं को लेकर, और इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, आपका कर्म क्षेत्र में भी आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद दर्शकों, जिन व्यक्तियों की वृषभ राशि है उनकी राशि से मंगल ग्रह उनके 7th हाउस में गोचर करेंगे। और जो कुंडली का 7th हाउस होता है, वहां से हम विवाह, पति पत्नी, मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप के बारे में विचार करते हैं, डेली इनकम के बारे में विचार करते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आपकी डेली इनकम अच्छी देखने को मिलेगी 25 दिसंबर से लेके 7 फरवरी तक, जब तक मंगल ग्रह अपने घर में विराजमान रहेंगे। आपकी डेली इनकम बहुत अच्छी होगी। अगर आप प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट, होटल मैनेजमेंट या केमिकल इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, इन सब का कोई बिजनेस करते हैं या कोई आपका अपना काम है, तो आपका बहुत अच्छा चलेगा, डेली इनकम बहुत अच्छी होगी, पार्टनरशिप आपकी यहाँ बहुत अच्छी होगी, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में तालमेल बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छा फायदा यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद दर्शकों, तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि से मंगल ग्रह 6th हाउस में गोचर करेंगे। और दर्शकों, 6th हाउस जो कुंडली का होता है, वहां से हम कंपटीशन, ऋण, रोग, शत्रु के बारे में विचार करते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर अगर आप किसी कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो 25 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी के बीच में ले सकते हैं। कंपटीशन में आपको विजय की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ अगर आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है या जिसके वजह से आप परेशान हैं, किसी ऋण, रोग और शत्रु से, किन्हीं तीन चीजों से आप परेशान हैं, ऋण, रोग, शत्रु, तो उनमें अब आपका जो समय है वो बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, यानी उन सारी समस्याओं का, सारी परेशानियों का समाधान देखने को मिलेगा और कंपटीशन में, ऋण, रोग, शत्रुओं में आपको विजय की प्राप्ति देखने को मिलेगी। उसके बाद है दोस्तों कर्क राशि। जिन व्यक्तियों की कर्क राशि है उनके है 5th हाउस में गोचर करेंगे। और कर्क राशि के लिए यह एक बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि 10th हाउस केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होके त्रिकोण में गोचर करेंगे। सबसे बढ़िया है आपके लिए एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको प्रमोशंस मिलेंगी, अचीवमेंट्स आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी, आपको आपका नाम बहुत अच्छा होगा और एजुकेशन के क्षेत्र में आपको बहुत ही बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी लव अफेयर्स में हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपका जो तालमेल है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल ग्रह अपने ही राशि में विराजमान होंगे त्रिकोण में, तो बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आपकी संतान है तो संतान की तरफ से आपको कोई खुशखबरी या कोई संतान की तरफ से बहुत ही अच्छा समय रहेगा आपके संतान के लिए। उसके बाद है दर्शकों सिंह राशि। सिंह राशि के लिए भी यह बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि कर्क राशि और सिंह राशि में जो मंगल ग्रह होते हैं वो राजयोग कारक ग्रह माने जाते हैं। सिंह राशि में जो मंगल ग्रह हैं वो भाग्य और सुख भाव के स्वामी होके आपके सुख भाव में ही गोचर करेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर आपको सारे सुख सुविधाओं का जो है लाभ देखने को मिलेगा, लग्जरी आइटम्स का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, आपकी माता का, यानी कि जो आपका माता का स्वास्थ्य था, अगर इससे पहले अगर खराब रहता था, कोई परेशानी आती थी आपके माता के स्वास्थ्य में, चिंताएं, मानसिक तनाव, हेडेक्स हो गए, ज्वाइंट्स पेन हो गए, तो वो सारी समस्याओं का आपको समाधान देखने को मिलेगा और माता का प्रेम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, सारी सुख सुविधाएं आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और साथ ही साथ भाग्य की तरफ से भी यहाँ पे आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और भाग्य आपका यहाँ पर साथ देगा। कर्म क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी, वाहन, लग्जरी आइटम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। उसके बाद दर्शकों कन्या राशि।
कन्या राशि से मंगल ग्रह तीसरे भाव में गोचर करेंगे, यानी कि साहस पराक्रम एनर्जी लेवल छोटे भाई बहन के हाउस में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह वहां के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो दर्शकों यहाँ पर आपको साहस पराक्रम में अलग ही एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि आपका जो साहस पराक्रम है उसमें जो है बढ़ोतरी होगी और आप जो मेहनत करोगे उसका आपको फल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनसे आपके जो रिलेशन है बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, पड़ोसियों से रिलेशन बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरनेट ऑनलाइन सेवा डाक सेवा या राइटर्स हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उसमें फायदा देखने को मिलेगा और आपका पराक्रम लेवल यहाँ पे जो आप साहस करते हैं जो आपका पराक्रम है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद है दर्शकों तुला राशि। तुला राशि से मंगल ग्रह सेकंड हाउस में गोचर करेंगे धन कुटुंब और वाणी के भाव में। दर्शकों यहाँ पर आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी होगी, इससे पहले आपके खर्चे ज्यादा हो रहे थे, आपके कुटुंब आपके परिवार में समस्याएं आ रही थी, किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही थी आपको आपके कुटुंब और परिवार में। तो दर्शकों जब मंगल ग्रह आपके कुटुंब और परिवार में अपने घर में विराजमान हो जाएंगे तो खुशहाली लेके आएंगे, सेविंग्स आपकी बहुत अच्छी होंगी और इससे पहले आपकी वाणी में क्रोध ज्यादा देखने को मिल रहा था या बेवजह की लड़ाई हो रही थी, बेवजह की फाइट्स हो रही थी, बेवजह का आपको क्रोध ज्यादा देखने को मिल रहा था, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 25 दिसंबर से 7 फरवरी तक आपको बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा, अर्निंग्स आपकी बहुत अच्छी होगी, आपका जो धन है वो बहुत ज्यादा एकत्र होगा, बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके कुटुंब और आपके परिवार में आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पर, और साथ ही साथ फैमिली के साथ यहाँ पर कोई अच्छा आपका जो यात्रा है वो दिखाई दे रही है, यानी कोई बड़ी यात्रा दिखाई दे रही है आपकी फैमिली के साथ। बात है दर्शकों वृश्चिक राशि। जिन व्यक्तियों की वृश्चिक राशि है उनके राशि पर ही मंगल ग्रह गोचर करेंगे, यानी कि आपको नेम फेम यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा नाम यानी कि फेम आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अर्निंग्स बहुत अच्छी होगी और हर एक कार्य क्षेत्र में आपको फायदा मिलेगा, साथ ही साथ सुख सुविधाओं का लाभ देखने को मिलेगा और एक राजयोग आपको देखने को यहाँ पर बहुत ही अच्छा मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि कर्क और सिंह राशि के लिए बहुत बड़ा राजयोग है जो ये मंगल परिवर्तन कर रहे हैं, साथ ही साथ वृश्चिक राशि वालों के लिए भी है बहुत बड़ा राजयोग होगा, क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ पर एक रोचक नामक राजयोग बनाएंगे जिसकी वजह से आपको सारी सुख सुविधाओं का लाभ बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। दर्शकों उसके बाद है धनु राशि। धनु राशि से मंगल ग्रह 12वें हाउस में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। दर्शकों धनु राशि वालों को यहाँ पर लंबी यात्रा और सुखद यात्रा देखने को मिल सकती है, यानी कि आप कोई लंबे समय से कोई प्लानिंग कर रहे थे कि मैं कहीं बाहर जाऊं, अपने सिटी से मैं कहीं बाहर जाऊं, कोई यात्रा करूं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, धार्मिक यात्राओं का आपको लाभ देखने को मिलेगा। और दर्शकों अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी यहाँ आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है या पढ़ाई के सिलसिले में कहीं आपको यहाँ पर दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी मानसिक थोड़ी तनाव भी देखने को मिलेगा, थोड़े खर्चे भी आपके ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जो आपके रोग हैं, जो आपके हेल्थ को लेकर कोई समस्या है तो उसमें आपको निदान या सारी समस्याओं का समाधान देखने को भी मिलेगा। दर्शकों उसके बाद है मकर राशि। जिन व्यक्तियों की मकर राशि है उनकी राशि से मंगल ग्रह उनके 11th हाउस में गोचर करेंगे। दर्शकों कुंडली का 11th हाउस जो होता है वहां से हम प्रॉफिट्स इनकम अर्निंग्स जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारे डिजायर्स होते हैं वो हम 11th हाउस से देखते हैं, बड़े भाई बहन का विचार हम 11th हाउस से करते हैं। तो दर्शकों जब यहाँ पे मंगल ग्रह अपने घर में विराजमान हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स अच्छा होगा, आपकी अर्निंग्स अच्छी होगी, इनकम आपकी जो है वो अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके डिजायर्स हैं वो यहाँ पे पूरे होते हुए दिखाई देंगे, बड़े भाई बहन से रिलेशन यहाँ पे आपका अच्छा बनेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे खुशहाली भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल ग्रह आपके वो सुख भाव के स्वामी भी बनते हैं, यानी कि सुख साधन भी यहाँ पर आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, कर्म क्षेत्र में फायदा होगा, भाग्य में बढ़ोतरी होगी और कुल मिलाकर यहाँ पे आपकी जो इनकम्स है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। उसके बाद है दर्शकों कुंभ राशि। कुंभ राशि से मंगल ग्रह 10th हाउस में गोचर करेंगे। तो दर्शकों कुंभ राशि के लिए भी एक बड़ा राजयोग है, क्योंकि 10th हाउस में मंगल ग्रह दिग्बली माने जाते हैं और अपने घर में यहाँ पे गोचर करेंगे, और 10th हाउस जो कुंडली का होता है वहां से हम प्रोफेशन यानी कि हमारा कैरियर कैसा होगा, हम कैरियर में क्या करेंगे, नौकरी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, या फिर हमारा प्रोफेशन कैसा होगा। जब मंगल ग्रह 25 दिसंबर को यहाँ पर अपने घर में विराजमान हो जाएंगे तो आपकी कोई भी समस्या है अपने कैरियर को लेकर,
आप परेशान है कि मेरे कैरियर, मेरा जो मेरा कैरियर है वो अच्छा नहीं हो रहा, ग्रो नहीं कर रहा, मुझे प्रमोशंस नहीं मिल रही, या मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, या मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं मेरा जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा है, जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का आपको यहाँ पे हल देखने को मिलेगा। और इन सब में आपको शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी, शुभ फलों में आपको यहाँ पर अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। और दर्शकों, अगर आप यहाँ पे किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो, और अगर आपका यहाँ पे एग्जाम है 25 दिसंबर से लेके 7 फरवरी के बीच में, तो ये एग्जाम भी आपका अच्छा जाएगा। और अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए, आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। उसके बाद दर्शकों, आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि से मंगल ग्रह भाग्य भाव में गोचर करेंगे, 9th हाउस में, यानी कि धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी होके भाग्य में ही गोचर करेंगे, अपने ही घर में। तो दर्शकों, जब मंगल ग्रह यहाँ पर भाग्य में आ जाएंगे, भाग्य में गोचर करेंगे अपने ही घर में, तो जो आपका भाग्य है, इससे पहले आपको भाग्य में रुकावटें आ रही थी, अड़चने आ रही थी, या आप कोई भी काम करते थे, किसी भी काम में हाथ डालते थे, मेहनत करते थे, साहस करते थे, अपना एनर्जी लगाते थे, लेकिन उन सब चीज का आपको फल देखने को नहीं मिलता था, या आपको ऐसा लगता था कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता, अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो मंगल ग्रह जब 25 दिसंबर से भाग्य में आ जाएंगे तो दर्शकों, ये आपका भाग्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ आपके पिता के लिए भी यह समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 9th हाउस से हम पिता के बारे में भी विचार करते हैं। तो दर्शकों, आप अगर आपके पिता यहाँ पर नौकरी सर्च कर रहे हैं, या कोई मानसिक तनाव में है, मानसिक परेशानी में है, तो उनको भी यहाँ पर अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, पिता को भी प्रमोशंस और सक्सेस देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपके भाग्य में भी यहाँ पर बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। और दर्शकों, अगर साथ ही साथ यहाँ पर आप उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 9th हाउस से हम हायर एजुकेशन के बारे में भी विचार करते हैं। तो दर्शकों, यह मैंने आपको 12 राशियों के लिए बताया कि जो मंगल का जो गोचर है, मंगल का जो राशि परिवर्तन है, वो 12 राशियों के लिए कैसे कैसे किस किस विषय में अच्छा रहेगा। लेकिन दर्शकों, साथ ही साथ अपनी जन्म कुंडली में लगन, लग्नेश, नवग्रहों की स्थिति को, दशा महादशा को जरूर चेक कीजिए कि आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, नवग्रहों की क्या स्थिति है, उसके बाद ही सटीक फलाफल का आपको पता चलेगा। तो दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।